श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। वहीं वह सबसे पहले सचखंड श्री हरिमंदिर साहब नतमस्तक हुए और सरबत के भले की अरदास की। वहीं विधिवत चल रहे अखंड पाठ का भोग डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुखबीर सिंह बादल द्वारा कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि मनप्रीत सिंह बादल सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, काम नहीं। वहीं अमृतसर साहिब में चल रहे पास प्रोजेक्ट के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम जब सरकार छोड़कर गए थे ये गाड़ियां बिल्कुल नहीं थी और सड़कें भी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन मैं कल रात से अमृतसर में हूँ और यहाँ पर बसों का बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटिंग चल नहीं रही, इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। हमने जो धार्मिक जगह बनाई थी उन सभी का बुरा हाल हो चुका है। वही नशे के मामले में बोलते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा यह सर्वे 2016-17 का नहीं, क्योंकि सर्वे में एक भी नशे का ग्राफ कम नहीं हुआ दिखाई दे रहा। हले तक मनप्रीत बादल ने पहला बंब सिटिया, फिर महीने दो महीने बाद एक होर बंब सिटेंगे, उम्मीद छड़ देंगे, एक भी नहीं 2 लाख भी नहीं दिता जाना। मैं तुम्हें एक गल दसा, हौली हौली इन्होंने सरकार के हाथ खड़े कर देने। तुम देखो जिन्हिया असी धार्मिक जगह बनाई असी सारा का बुरा हाल कर दिता, कोई मेंटेनेंस दे रहे। जिन्हें असी जे बनाए सी हैरीटेज दिया चीज़ा बनाई सी सारे तो पैसा विड्रॉ कर लिया। तुसी ओवरऑल देखो तो आ गुरु की नगरी है, इतने मैं देख लिया कि पिछले 6 महीने चीज़ा हौली हौली खराब हो जाए, सड़कां टुटी जाती है, गंद वधी जाता है, जिथे जिथे डिवेलपमेंट की लाइटा बंद, रात में आया सी लाइटा दियाँ बंद सी, वो BRTA सिस्टम जिहड़ा मैं शुरू किया सी उत्थे बसा मतलब 6 महीने हो गए ब्रांड न्यू बसा खड़ी हैं, मतलब 2 महीने हो रह गई तो बसा ही कंडम हो जानी है। सुखबीर सिंह बादल खुद लेते हुए नजर आए। नव समाचार के लिए अमृतसर से वीर गिल लाली की रिपोर्ट।